on the microphone to battle down these MCs. One, all y'all bitches know we get it on. Two, stand for me and my crew. Three, cause I possess the ability to run up on the microphone to battle down these MCs. Raton ki malika main aaja, baho main le kar le jo karna hai aaja. Tu masti le jume badan ye mera. ये कैसा है नशा, दिल चाहे और नशा, ये सपना है या कोई हकीकत का नशा. Oh yeah, bitch, you know we get it on. Two, stand for me and my crew. Three, cause I possess the ability to run up on the microphone to battle down these MCs. Oh yeah, bitch, you know we get it on. Two, stand for me and my crew. Three, cause I possess the ability to run up on the microphone to battle down these MCs. दिल में है जोश ऐसा जो छुए वो जल जाए. धक धक ये धक धक करे, दिल की धड़कन बढ़ जाए. रहती है हर पल मेरी आंखों में ही ना 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 ना. मलिका मैं आजा, बाहों में ले कर ले जो करना है आजा, तू मस्ती ले. All y'all bitches know we get it on. Two, stand for me and my crew. Three, cause I possess the ability to run up on the microphone to battle down these MCs. Down, 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 down. अरे ऐसे तड़पा न मुझे, मैं हूँ मदहोशी में. मेरी कसम है तुझे, जल के बिन मछली में. मौका मिला है ना गवा. रातों की मलिका मैं आजा, बाहों में ले कर ले जो करना है आजा, तू मस्ती ले झूमे बदन ये मेरा. ये कैसा है नशा, दिल चाहे और नशा, ये सपना है या कोई हकीकत का नशा. Oh yeah, bitches, don't we get it on. Two, stand for me and my crew. Cause I possess the ability to run up on the microphone to battle down these MCs. One, oh yeah, bitches, don't we get it on. Two, stand for me and my crew. Cause I possess the ability to run up on the microphone to battle down these MCs. सर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए.
सर जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफ करने वाला ये चर्च का फादर नहीं है, गॉड फादर है, मार्टिन फर्नांडिस। ये दिन कहे तो दिन होता है और रात तो रात। तूने जो गलती की उसके लिए तुझे सजा मिलके ही रहेगी। संपत सर जी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तुझ जैसा ईमानदार मेरे साथ एक भी हो तो काफी है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों किंग, त्रिमूर्ति आज एक साथ मिलकर आए हैं, क्या बात है? बिजनेस तो ठीक से चल रहा है ना? आपकी दया से अच्छा चल रहा है। मेरी दया से नहीं, तुम्हारी काबिलियत से। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं, क्योंकि आज सिर्फ दिवाली नहीं है, आज आपका जन्मदिन भी है। अरे वाह, अमावस में जन्म लेने वाले का बर्थडे याद रखा है? सर आप ऐसी बात मत कीजिए ना, आपकी दया से ये बच्चे आज यहाँ हंस खेल रहे हैं। गुरु जी, बच्चों के लिए जो लाए हैं बांट दो। अरे संपत, वो सब लेके आ जाओ। राजामणि साहब है जी। आइए सर। मिस्टर मार्टिन, हाउ आर यू? वेरी फाइन मिस्टर राजामणि। मिस्टर मार्टिन, विश यू वेरी हैप्पी दीपावली। सेम टू यू। सर आप इस आश्रम और यहाँ के बच्चों के लिए जो मदद करते हैं वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बाद भी यह सिलसिला चलता रहेगा। बच्चों के लिए आज लंच का इंतजाम किया है। दरअसल आज बॉस का बर्थडे और शाम को पार्टी भी है, आपको जरूर आना है। ओके। Oh my God! Okay. It's okay. I'm sorry. Nadia? I'm so sorry, ma'am. Ma'am. I'm very sorry, Guru. No. She's Nadia. वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बट वेरी प्लेफुल गर्ल। इस आश्रम के लिए ये कितनी मदद करती है पता है? आप दोनों बातें करिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मैडम, ओके। हाय। हाय। हैप्पी दिवाली। बाय। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे। ओके। माय डियर फ्रेंड्स, खाने पीने का मजा लीजिए प्लीज।
मुझे बर्थडे की बधाई देने के लिए आप सबका धन्यवाद। मेरी उम्र होती जा रही है, इसीलिए अपने बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज मैं गुरु को सौंपने जा रहा हूँ। बॉस? एक तरह से अब यहाँ का बॉस गुरु होगा। अभी तक आपने जैसा मेरे साथ कोऑपरेट किया, ठीक वैसे ही गुरु से भी कोऑपरेट करें। क्या हुआ, एकदम उदास हो गए हो? देख लिया किंग भैया, जिसका नाम पता कोई नहीं जानता उसे मार्टिन ने अपना वारिस बनाया। भैया अब यहाँ रुके तो हमारी इज्जत नहीं होने वाली है। मार्टिन को नशा चढ़ गया है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। मेरी बात मानो, अब चलते हैं। जल्दबाजी मत कर। अरे सुनो, उसे कोई नशा नहीं चढ़ा है, मरने का टाइम आ गया है इसलिए बोल रहा है। देख गुस्सा मत कर। अरे छोड़ो ना, चुपचाप रह, जो होना है होगा। क्यों रोके? तुम चिंता मत करो, बस चीयर्स करो। चीयर्स। आओ गुरु, पार्टी में जो लोग आए थे चले गए? हाँ, सबके सब चले गए। अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया? इसमें गलत क्या है? तू मेरा भरोसे वाला है और तू इसके लायक है। तेरे सिवा मेरा है ही कौन? मेरे बाद तुझे ही संभालना हो। क्या हुआ बॉस? परमेश्वर, इनसे जो भी पाप हुए हों इन्हें क्षमा करना, इन्हें पापों से मुक्त करके परमेश्वर के राज्य में इन्हें स्थान देना। तुम्हारा राज्य आने के लिए, तुम्हारी योजना सफल होने के लिए हम तुम्हारे नाम की महिमा करते हैं, तुम्हारे नाम की स्तुति करते हैं। आमीन, आमीन। मार्टिन फर्नांडिस की आत्मा को पूर्ण रूप से शांति मिले और परमेश्वर के राज्य में जाएं। आज तक ये आश्रम और ये बच्चे, हम लोगों ने कभी कोई कमी महसूस नहीं की। अब वो नहीं रहे, ऐसे में आश्रम और बच्चों की कौन देखभाल करेगा पता नहीं। डोंट वरी मैम, मार्टिन साहब हर महीने जो मदद पहुंचाते थे वो मदद आपको मिलती रहेगी। बच्चों का ख्याल रखना। ऐसा फैसला क्यों लिया? इसमें गलत क्या है? तू मेरा भरोसे वाला है और तू इसके लायक है। तेरे सिवा मेरा है ही कौन? मेरे बाद तुझे ही संभालना। देखो इसका क्या करती हूँ। क्यों, हॉर्न बजा के नहीं आ सकते क्या? इतने सारे बच्चे पैदल जा रहे, दिखाई नहीं देता क्या? ओपन द विंडो मैन। ये तो अपनी पार्टी है। I'm sorry. It's my mistake. I'm really sorry. Okay. दीदी चलो चलते हैं। अरे चुप रहना यार, अब वो दीदी नहीं आने वाली है, वो उस अंकल की झप्पी लेंगी। सच में दीदी? दीदी झप्पी ठीक से लेना, ठीक से लेना। दीदी तुम लोग झप्पी लो, हम लोग चलते हैं, चलते हैं। हेलो।
हेलो, झप्पी लेने का इरादा है? What? It's too late. Bye. Funny girl. अरे बैग ले लूं क्या? नहीं नहीं, गाड़ी में रहने दे। ओए आजा। यस सर, हम इसी का तो वेट कर रहे थे। सर जी संभाल के कहीं बम वम ना रखा हो, कहीं खोलते ही सुहा ना हो जाए। सर बैग तो वैसे बहुत बड़ा है। हाँ सर, इसमें तो गांजा है। हेलो कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। अबे तू क्या कर रहे हो? सर हमने जो ये गांजा पकड़ा है, कंट्रोल रूम को बता देता हूँ। इससे तुझे क्या मिलने वाला है? ये क्या सर आप इस तरह से बोल रहे हैं? कल टीवी में पेपर में फोटो आएगा और डिपार्टमेंट की तरफ से अवार्ड भी मिलेगा। अवार्ड मिलेगा, खाने की रोटी मिलेगी। सर ये आप क्या कह रहे हैं? ओए, तुम खाली जीने के लिए पुलिस वाले बने हो, लेकिन मैं नोट खिलाकर इंस्पेक्टर बनाऊं? अबे जा, ये जो माल पकड़ा है ना, इसे नोटों में बदलना है, समझ गया? चुपचाप चल। Who is this? सर इसका नाम बिल्लू है, इलीगल बिजनेस करता था। नशीले पदार्थ के स्मगलिंग के केस में 3 बार इसे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने ये जमानत पे बाहर आया और इंदिरा मार्केट के एक बार में गया था, और उसी रात किसी ने बेरहमी से इसका खून कर दिया। कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए केस की फाइल बंद कर दी गई। क्यों सर, इस केस में कोई भी क्लू नहीं मिला? मिस्टर प्रभु, ऐसे बिजनेस करने वालों के दुश्मन भी ऐसे ही बिजनेस करने वाले होंगे। जी हाँ सर। हेलो, मैं मिनिस्टर जी के बोल रहा हूँ। बोलिए भैया, मैं बैटरी बोल रहा हूँ। किंग नहीं है क्या? एक मिनट रुकिए। नमः शिवाय। भैया मंत्री जी लाइन पे हैं। ना दे। हाँ भैया बोलिए ना। ये क्या किंग, मेरा काम अभी तक नहीं हुआ उसे खींचे जा रहे हो? पार्टी अभी शहर में नहीं है, जैसे ही वो आ जाएगी उसे उठाकर आपके सामने लाकर साइन करवा कर दूंगा, मेरा वादा है। ठीक है ठीक है, ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। मानेक, मैं कौन हूँ जानता है ना? यहाँ का यमराज हूँ। अगर मेरे लड़कों को परेशान किया तो मैं तेरे पूरे खानदान को मिटा डालूंगा। ऐ, मुझे धमकी देता है, अब तू नहीं बचेगा। ऐ, फोन रख। ऐ, कहा ना फोन रख। क्यों रे, क्या हुआ, इतना चिल्लाकर किससे बात कर रहा था? कुछ नहीं भैया, वो मानिक का बच्चा है ना, हमारे लड़के जहाँ पर धंधा करते हैं वहाँ पे आके हफ्ता मांगता है, उसे मैं कौन समझा रहा था, अब मगज में घुस गया होगा। भैया जी नमस्ते। नमस्ते। अरे आप पुलिस वाले? कैसे हो किंग? आओ हरी बैठो। इतना बड़ा बैग लेके आए हो? बड़ा माल हाथ लगा है। हाँ भैया गांजा। किंग, 30-40 किलो का माल होगा, जो मार्केट का रेट है उसके हिसाब से दे दे। भैया माल तो ओरिजिनल है, मार्टिन ग्रुप का ही है। ठीक है ला। ये लो भैया। भैया पैसे? हरी ऐसे ही हमारे लिए काम करते रहना, ठीक है? हम लोग अब बिना ऑर्डर के ही रेट डालना शुरू करेंगे। चलता हूँ। ठीक है भैया, हम दोनों नौकरी से रिजाइन करके यहाँ काम करने लग जाए। चुपचाप चल। ठीक है भैया। संपत, मुझे गुरु से मिलना है। रुको पूछता हूँ। परमिशन लेकर मिलना, मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ वही रूल है। मैं जाना मार डालूंगा। तेरी हिम्मत कैसे नहीं दिखा देगी? तू समझता क्या है अपने आप को? मुझे मारेगा तू? छोड़ो से। ए राके। रामू काका ये सब क्या है? मार्टिन साहब जब थे तो आराम से आया जाया करता था, और आज परमिशन लेकर आना होगा। खैर वो सब छोड़ो, लड़कों ने जब माल मांगा तो उन्हें मना क्यों कर दिया? तेरे छोकरों ने पैसा नहीं दिया इसलिए माल ले दिया। काका पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, हम लोग तो छोटा मोटा धंधा करते हैं ना। मार्टिन साहब ने कभी ऐसा कहा है क्या, पैसे नहीं दिए इसलिए माल देना बंद कर दिया? मैं अपनी पार्टी को क्या जवाब दूं? ए रॉकी, यहाँ बेकार की बातें मत कर। उनके रहते और था, अब और है। माल चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। नहीं गुरु, सबके सामने मुझे ऐसा मत बोल। ए संपत, चाहे कोई भी हो पैसा लेकर ही माल देना। ठीक है गुरु। ठीक है? गुरु जो भी बोलना मुझे देख के बोलना। एक भी यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाएगा। ए रॉकी, तू जो उखाड़ सकता उखाड़ ले, अगर दोबारा यहाँ आकर कोई गड़बड़ की। अब जा। क्या हुआ, मार्टिन के मरने के बाद गुरु बॉस बन गया क्या? मुझे ऐसा ही लगता है। भैया 20 सालों में वो मार्टिन ही हमें ढूंढ नहीं पाया था, तुम बस हाँ कहो, मैं देखता हूँ, वो तो अभी बच्चा है। अरे सुन, जल्दबाजी मत कर, थोड़ा कंट्रोल में रह। बैटरी, मार्टिन को वो झवेरी माल सप्लाई करता था ना? हाँ भैया। तो उस सेठ को टपका दूँ? चुप कर, ये चाकू से टपकाना छोड़कर दिमाग का इस्तेमाल करने की सोच। सेठ,
जरा देख के, ये तीसरा राउंड है, लुढ़क मत जाना। ए सेठ, क्या है? गुरु ने माल मंगाया है। क्या? मैं सिर्फ मार्टिन को ही जानता था, गुरु को नहीं जानता, उसके लिए माल नहीं है। जा बोल दे। ए सेठ, ए जाना, चल भाग यहाँ से। अरे सूत है संपत, माल मिल गया? अरे तनेज पूछो छो, माल मिला या नहीं? नहीं मिला। ए, ये क्या बोल रहा है? सेठ ने माल देने से मना कर दिया। क्या कहा? सेठ ने माल देने से मना किया? अब कोई इज्जत नहीं देता है। मैंने बहुत समझाया, वो बोलता है गुरु को नहीं जानता। मुझे बहुत गुस्सा आया, जी कर रहा था उसे वहीं जान से मार दूं, पर सोचा गुरु से पूछ लूं। आओ गुरु। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस सेठ ने अचानक हमें माल देने से मना कर दिया है। मैं जाके बात करता हूँ। नहीं काका, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चाल कौन चल रहा है मैं अच्छी तरह जानता हूं, उनकी वाट मैं लगाऊंगा। आप भले इस दुनिया से चले गए, लेकिन अभी भी मेरे साथ हैं। मैं जो ये नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। हेलो। हाय गुरु, दिस इज नदिया। हेलो नदिया। हाँ, आज शाम को हम मिल सकते हैं क्या? मैं जरा एक काम से अब्रॉड जा रहा हूँ, अगले हफ्ते मिलेंगे। ओके देन, हैप्पी जर्नी, टेक केयर। थैंक यू। रोशन। हाँ गुरु। कैसे हो यार? अच्छा हूँ यार। अच्छा ये बताओ, हार्बर में सब तैयार है ना? हाँ सब तैयार है गुरु। हम पहले यहाँ एक लोकल पब में चलते हैं, वहाँ होलसेल में बेचने वाले कुछ एजेंट हैं, उनसे जाके पहले मिलते हैं। ठीक है चलते हैं। नमस्ते रमेश। हाँ, हु इज दिस जेंटलमैन? नाम गुरु है, इसी को माल चाहिए। हाउ मच यू वांट? 100 kgs। 100 kgs हो पाएगा? वन सेकेंड सुरेश। हाँ जी। हाँ रोशन। हाँ ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं क्या जानू, तुमने एकदम से 100 kg जो मांग लिया है, अब ऐसे में वो कहाँ जाएंगे? गुरु ये 40-50 लेकर खुदरे में बेचा करते हैं। इसका मतलब माल असली नहीं है? क्या कहा, असली चाहिए, उसके लिए तो हमें फैक्ट्री में ही जाना पड़ेगा। तो ठीक है ना? ये तुम क्या बोल रहे हो? यहाँ उसी के लिए तो आया हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है, वो बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। हाँ तो शूट कर देंगे, मरने से डरते हो क्या? इस बिजनेस के लिए जरूरी है दम और दौलत दोनों, उससे डर भाग जाता है।
भैया ये काम कैसे भी करा दो। ठीक है मैं बात करता हूँ, काम हो जाएगा। ठीक है, इस पर भरोसा कर सकते हैं? अपना ही आदमी है। कोशिश करो, हम पर भरोसा रख के वो आया है। Bagaimana barang ini boleh bawa ke negara India? यहाँ से माल कैसे इंडिया ले जाओगे ये पूछ रहे हैं। ये इन्हें जानने की जरूरत नहीं है। इनी टेरा मुस्तहा बागी कमो। कमो खर्जा उन तो स्यापा। वो पूछ रहे हैं तुम किसके लिए काम करते हो? अपने लिए। उन तो सया। मरिसिनी पिकोड़े पिकी। मैं भी तुम्हारी तरह इंडिया में यही बिजनेस करता हूँ। किसी को भी गन से टपकाना मैं भी जानता हूँ। सैम पुंजवाल, बारह ये समा दी इंडिया सिकलिक माता सया जुग बली। अरे सब कावन डीसी नहीं। यहाँ तुम्हारा कोई दोस्त है पूछ रहे हैं? अभी तक तो यही लोग हैं, लेकिन अब से आप भी हो गए। हंजा कमाई नहीं सजा, तारा कमन पुन कमाई सजा। तंप पर तोलोंगन सस्यापा। Kamu boleh bawa sebanyak 100 kilo tepung barang ke India. किसी के मदद के बिना एकदम अकेले 100 किलो का माल अकेले तुम इंडिया ले जा सकते हो? तुम पर विश्वास है कह रहे हैं। You are my first customer from India. All the best. Thank you my friend. हम फिर मिलेंगे। ये इंडिया में नहीं मिलेगा। हाँ गुरु। ये पैक कर दीजिए। ओके सर। Ailey, about what he's searching for.
वो शर्माए, आंखों में देखे कोई मर जाए। खफा थे तू क्यों इतना, ये बता ये बता। हो संपत, मलेशिया की डील हो गई है, अब मैं स्पेन जा रहा हूँ, वहां से फोन करूंगा। ओके गुरु। गुरु चिंता मत करो, सारा माल अच्छी तरह पैक करके भेज दिया है। ओके रोशन, थैंक्स फॉर ऑल, मेरा माल इंडिया पहुंच जाना चाहिए। ओके राजा। ओके गुरु। जरूर पहुंच जाएगा, चिंता मत करो।
माल पैक हो गया है, उसकी डिलीवरी कर दो। ओके सर। हेलो संपत, मैं गुरु बोल रहा हूँ। हाँ बोलो गुरु। पेन से सारा माल कार्गो में आ रहा है। ओके। तिरु एक्सपोर्ट के नाम से। ठीक है, अपने ऑफिसर्स को जाके बोल दो। ओके गुरु। ग्रेट मैन और मेरे गॉडफादर सही में कहा जाए तो मेरे बाप की तरह थे, क्योंकि इतने सालों तक मुझे अपने बेटे की तरह पाला। मेरा जो घर है, कार है, इतना ही नहीं, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, इन सब के असली मालिक यही हैं। ही शोड मी व्हाट लाइफ इज एंड हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। आज अगर मैं इतना खुश हूँ तो ये इनकी वजह से। मिस्टर मार्टिन ने तुम्हें और क्या क्या सिखाया गुरु? संपत, हाँ ऑर्डर करो। ओके। मार्टिन हमेशा बोलते थे कि गुरु कमाल का आदमी है, आज देख भी लिया। कल तक ये बिजनेस कैसे होएगा सोच रहे थे, लेकिन अब नहीं, अब कामयाबी जरूर मिलेगी। इसके पीछे तुम्हारी मेहनत जो है मुझे बहुत गर्व है। आप मेरे साथ आखिर तक रहिएगा। मैं घर जा रहा हूँ सर। तू क्या ऑफिस की नौकरी कर रहा है जो घर जा रहा है? माँ और बहन घर में वेट कर रहे होंगे। तो उसमें मैं क्या करूँ, चाहे तो 10-20 ज्यादा ले लेना, काम खत्म करके जा। 100 रुपए देंगे तो भी नहीं रुकूंगा, मुझे अपने घर जाना है। अबे तू यहाँ क्यों आता है, घर पे रहना चाहिए ना। यहाँ आने के बाद घर के बारे में मत सोचना, जा अपना काम कर जा। मैं अब नहीं रुकूंगा सर, मेरे लिए घर जरूरी है, मैं जा रहा हूँ सर। हाँ बहुत बड़ा हो गया है ना, अब दोबारा यहाँ काम पे मत आना, अगर आया तो टांगे तोड़ दूंगा। अरे जाना, ये काम नहीं तो दूसरा। पढ़ाई ठीक से करके आया बेटे? क्या हुआ? कौन है वो, इतनी बड़ी गाड़ी में हमारे घर पे आया? कौन है कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटे तुम्हें यहाँ किससे मिलना है? माँ मुझे नहीं पहचाना। माँ मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, तुम्हारा गुरु हूँ। भैया गुरु? हाँ माँ। तू इतना बड़ा हो गया है? हाँ
गुरु। माँ रो नहीं, माँ मैं तो आ गया हूँ ना। इतने दिन कहाँ था, हाँ हम सबको छोड़ के कहाँ चला गया था। तू अच्छा तो है ना? हाँ मैं अच्छा हूँ। सच में अच्छा है? अच्छा हूँ माँ। ए देख तेरी चुनरी कहाँ जा रही है? और कहाँ, पानी के साथ जा रही है। ए कमली, हाँ ये क्या तू यहाँ है, इनसे क्या बातें कर रही है? क्यों? भैया भैया कहती थी ना, वो भैया तेरे घर आए, जाके मिल ले। तुम सच बोल रही हो? हाँ कमली जाके देखना। अब खड़ी क्यों है, जाके देखना। गुरु मुझे पहचाना या नहीं? मामा जी क्या बोल रहे हैं, आप यहाँ थे इसलिए तो मैं हिम्मत से गया था। अच्छा कमली कहाँ है? वो देख वो आ रही है। कमली तुम्हारा भैया है? भैया? ये हमारी कमली है। हाँ कमली अच्छी तो है ना? माँ मैंने बहुत सारे पैसे कमाने के लिए ही इतनी तकलीफ उठाई, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब हम सब साथ रहेंगे अपने ही घर में। बस और नहीं, एक और ले ले बेटे। आइए आइए माँ। हाँ? यही है रामू काका। नमस्ते माँ जी। आपके बेटे का ख्याल रखते हैं। नमस्ते। जितनी तारीफ करो कम है। नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, माँ को अंदर ले जाओ ना। माँ एक बार माँ जी को ले जाकर पूरा घर दिखा दो। इधर आओ माँ। अरे गुरु घर तो पूरा हवेली की तरह लग रहा है। कितना बड़ा घर है। अरे टेलीफोन है? हेलो। लोग गांव के अंदर अपना घर बनाते हैं, इसने गांव जितना घर बना दिया। अरे रुक जाओ मैं भी आ रहा हूँ। गुरु। हाँ? ये तुम्हारा घर है? तुम्हारा है माँ। तू काम क्या करता है, कैसे कमाता है, ये सब मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि मेरा बेटा गुरु गलत काम नहीं करेगा, मैं जानती हूँ। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल ऐसा ही है माँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। चलो अब तो हमेशा खुश रहना। बहुत अच्छा है बेटे। तुम्हें कुछ याद है माँ, मेरे बचपन में जब तुम फंक्शन में जाती थी तो पड़ोसियों के गहने उधार लेके पहनती थी और सब तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। उसी दिन फैसला किया कि माँ को मैं गहने खरीद के दूंगा। ये मैंने अपनी कमाई से खरीदा है। तूने खरीदा? गुरु पूरे शहर के अंदर कॉफी शॉप, कॉलेजों के बाहर, ऐसी सब जगहों पर गांजा, अफीम, ऐसी ड्रग्स बिकती हैं। इससे कितने ही लोग तबाह हो रहे हैं, इसलिए पब्लिक की कंप्लेंट ऊपर तक पहुंची है, डांट हमें पड़ रही है, ऊपर से टीवी मीडिया पेपर वाले इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, इन घटनाओं को बार बार दिखा दिखाकर पुलिस का अपमान कर रहे हैं, इसका हमें ऊपर जवाब देना है। वहाँ के नजदीक के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करके एक्शन के लिए बोलेंगे। पुलिस पर से पब्लिक का विश्वास उठ चुका है, इसीलिए सीएम को कंप्लेंट पहुंची है। सर
उन पे दया दिखाए बिना सबको मेमो भेज देते हैं। पुलिस वालों को ईमानदारी से अपना फर्ज निभाना चाहिए, लेकिन कुछ पुलिस वाले पैसा लेकर मुजरिम को छोड़ देते हैं और बेगुनाह को जेल में डालकर पुलिस को बदनाम करते हैं। अगर अभी भी हमने इसे नहीं रोका तो जनता हमारा जीना हराम कर डालेगी। यस सर। इस मिशन के लिए हमें एक नया चेहरा चाहिए। Who is the new face? मिस्टर मुकेश, वो अहमदाबाद नारकोटिक डिपार्टमेंट में हैं। उन्हें अपॉइंट करने का फैसला किया है। सर, उनके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। वो अपने कार ड्राइवर से लेकर यहाँ तक कि कांस्टेबल तक हर किसी को शक की नज़र से देखते हैं। वो हमेशा संदेह में रहते हैं सर। ये तो अच्छा है ना, पुलिस की नजरें हर किसी पर शक करेंगी तभी तो वो मौका पाकर मुजरिम को पकड़ पाएंगे। तो इस मिशन के लिए मिस्टर मुकेश ही ऑल इन ऑल होंगे। एनी क्वेश्चन? नो सर। हे गुरु, गांव से तू अकेला आया था। कार, बंगला, कंपनी, ये सब तू रख के बहुत बड़ा आदमी बन गया है। क्यों रे गुरु, यहाँ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग का तू ही मालिक है। गुरु, तुझे यहाँ का मालिक देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है यार। ए, हाँ यार, हम लोग अलग, ऐसा मत बोल यार, हम सब के सब इस कंपनी के मालिक हैं। तू आज भी नहीं बदला यार। अच्छा ठीक है, चलो अब से इस कंपनी का मैं भी एक मालिक हूँ। ए भैया, ठीक से काम करना। ए ज्यादा मत चिल्ला। अरे रुक ना यार। अच्छा गुरु, इस कंपनी का बिजली का बिल कैसे भरता है? समझ गया। क्यों गुरु, गांव की तरह खंबे से लिया है ना। ए तू क्या समझता है, ये देख कितने बड़े झींगे। झींगे बेच बेच के इतना बड़ा मालिक बन गया। झींगों में पाउडर रखे। गांजा, ब्राउन शुगर, ये सारे धंधे मैं करता हूँ। यानी हम जो करने वाले हैं ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सारी पैकिंग ठीक से देखना। ओके सर। अरे यार, ये क्या बोल रहा है? ए, अब चलो ना। आते आते चल ना यार। संपत, मैं दोस्तों के साथ बाहर हूँ, माल ठीक से जा रहा है ये नहीं देख लेना। अरे तू क्या खाएगा यार? अरे कुछ भी मंगा ले यार, खा लेंगे सब। कुछ जूस पियोगे क्या? जूस मंगा ले यार, वही पी लेंगे। यार तू इतना दुखी क्यों दिख रहा है? सर आपका बिल। ये बिल वो देगा। ए, बिल की चिंता क्यों कर रहा है, वो दे देगा ना। ए, ये अपना गांव नहीं है, शहर है। यहाँ के लोग गांव जैसे नहीं है, संभल के रहना। ये बिल उस टेबल पे दे दो, राकी ने कहा है, बोलना जाओ। ओके सर। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमारा काम वैसा है, समझ गए सर। बिल ये क्या है यार, अभी से बिल ला के दे रहा है? सूप का ऑर्डर ही अभी किया है, उससे पहले बिल ला रहा है। सर उस टेबल पे रॉकी बैठा है, उसी ने देने को कहा है। ये क्या गुरु। ये बिल उसी से ले लो। जी अच्छा सर, बिल आपसे लेने के लिए कहा है। अभी आता हूँ। अरे गुरु कहाँ जा रहा है? अरे ये अचानक बोल रहा है, कहाँ जा रहा है? ए, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या गुरु, ये बिल भरने से तूने मना कर दिया? मैं भी मार्टिन साहब का भरोसेमंद रह चुका हूँ, ये तुम जानते हो। तो जायदाद में मेरा भी हिस्सा है ना, तो मुझे माल भी नहीं दे रहा है तो रोकड़ा दे देना। पैसे देगा तो ही माल मिलेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फिर से प्रॉब्लम खड़ी मत कर। तुझे बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, बुड्ढे मार्टिन ने ये सब किया ना, उसे बोलना चाहिए था। मुकेश, ऐसा वैसा करने के लिए आप पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, किसी भी समय आप हमारी सहायता पा सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट मुजरिमों को पकड़कर समाज की गंदगी हटाना है। That's my duty, sir. All the best. Thank you, sir. It's okay.
सो तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम बेरोजगार हो लेकिन ईमानदार हो। तुमने जो पढ़ाई की है उसके मुताबिक नौकरी नहीं मिली, इसलिए सरकार पे गुस्सा हो। तुम्हारा ये गुस्सा जायज है। ये गुस्सा सही काम में दिखाओ, जो समाज को बिगाड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं। हालांकि वो मुझसे कभी बच नहीं पाएंगे, उनके गुनाहों की सजा उन्हें मिलेगी ही, लेकिन उसके लिए सबूत चाहिए। जो काम मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ वो तुमसे करवाना चाहूंगा, उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस काम के बदले तुमको जो मैं पैसा दूंगा शायद वो जिंदगी भर के लिए काफी ना हो, लेकिन ये काम समाज सेवा के नाम से भी कर सकते हो। ये भी एक तरह से सरकारी काम ही होगा, पुलिस के मुखबिर समझ लो। मन में कोई सवाल है? हाँ है सर, जैसे आप हमारे बारे में जानते हैं वैसे हम भी आपके बारे में जानते हैं। एक बार आपने रेड डाली, उसमें करीब आपने 50,000 का माल पकड़ा और उस माल में से 50 ग्राम माल भी बाहर नहीं गया, पूरा का पूरा माल सरकार को दे दिया। अगर वहाँ आपकी जगह कोई और अधिकारी होता तो आधा दिखाता और आधा बाकियों में बांटकर सरकार के माथे पर तिलक लगाता, लेकिन आपने नहीं किया। आपकी ईमानदारी और आपकी सच्चाई ने आज हमें यहाँ आपके सामने खड़ा किया है। सर भले ही हम अपने बारे में ना सोचे लेकिन इस काम में हम आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। सर आपके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड, थैंक यू बॉयज। हेलो मिस्टर एकनाथ। आइए सर बैठिए। मिस्टर एकनाथ, आपकी इन्फॉर्मेशन से हमें बहुत मदद मिली है। इस समाज को सुधारने के लिए हम जिस तरह जूझ रहे हैं वही काम तुम लोग भी कर रहे हो। गुनहगारों को अखबार वाले भी जानते ही होंगे, उन लोगों की लिस्ट मैंने तुमसे मांगी थी, शायद तुमने रेडी करके रखी होगी। सारे गुनहगारों की लिस्ट रेडी करके रखी है। इस समाज को सुधारने के लिए आपने जो बीड़ा उठाया हुआ है वैसे ही हम पत्रकार लोग भी अपना काम करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये समाज सुधर जाए। थैंक यू मिस्टर एकनाथ। थैंक यू सर। कुछ चाहिए तो फोन करो। हाँ जरूर। ये लो भैया। हाँ ए इसे माल दे दे। ले पकड़, जा जाके खूब मस्ती कर जा। ये लो भैया। रुक रुक, तू है कौन? तुझे तो पहले कभी नहीं देखा। ये क्या कह रहे हो? मैं लक्की भैया के साथ कितनी बार यहाँ आया हूँ, भूल गए हो क्या? मैं भी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तू लक्की का इंसान है? हाँ भैया। अपना ही आदमी है, ले ले। जानता है इसे? हाँ हाँ जानता हूँ। अरे लो ना भैया। ले लक्की से बोलना याद किया था। हाँ, और जा आराम से जाना, ठीक है? जा जा। सर ये माल बिल्कुल ओरिजिनल है, इसे एक बार लेने से इसके आदि हो जाएंगे, लेकिन ये हमारे देश का नहीं लगता है। इन नशीले पदार्थों से युवाओं को कैसे बचाएं? सबसे पहले ये नशा उन्हें कौन देता है ढूंढना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साहब आपसे मिलने गुरु आया है। आओ गुरु। नमस्ते जी के साहब। नमस्ते। नमस्ते। आओ रामू काका। क्यों गुरु, सुना है विदेश से माल उतार के यहाँ बिजनेस चला रहे हो, काम सोच के नहीं करते हो क्या? इसमें सोचने की क्या बात है? तुम्हारे लिए कोई बात नहीं मगर बाकियों की तो सोचो। मार्टिन जब थे तब बात और थी, उनके नाम से लोगों में एक डर था और इज्जत भी थी, लेकिन उनके जाने के बाद आज 12 मार्टिन पैदा हो गए। ये सब लोग क्या उनके जैसे बिजनेस कर पाएंगे बताओ? आज की तारीख में ये जो सब चल रहा है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सर उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे साथ काम करने वाले लोग मेरे साथ खुश हैं। बिजनेस करना जरूरी नहीं है गुरु, उससे पहले हमें अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए। दूसरे लोग आपको कितना कमीशन देते हैं? गुरु 10% देते हैं ना, मैं आपको 20% दूंगा। बहुत जल्दी समझ गए, मार्टिन के करीब जो रहे तुम बहुत ऊपर जाओगे। असेंबली का टाइम हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। अच्छा चलता हूँ जी। अच्छा गुरु, मेरी सास का स्वभाव कैसा है?
खुद ही देख लेना। तुम्हें बिल्कुल फिक्र ना करो, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। अरे रे आओ गुरु। आओ बेटे गुरु। माँ ये कौन है? नाम है नदिया। इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो बेटी, सुखी रहो। अब उठो, ये खुशी हमेशा रहनी चाहिए। तो खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? मेरी बहू को ये अंगूठी पहना दे। माँ अरे पहना दे, हाथ दिखाओ बेटी। भैया इधर इधर आओ ना। कमली ये क्या कर रही है? ये कौन है भैया? तेरी भाभी है, अच्छी है ना? सुपर से है। ओहो, इतने दिन हमें गांव में छोड़ के तुम इनके साथ घूम रहे थे ना? गुरु हाँ इसे क्या बात कर रहा है? नदिया को ले जाकर अपना घर दिखाना। ठीक है भैया। भैया भाभी को मैं ले जाती हूँ ना, प्लीज। तो अपना काम करना भैया प्लीज। देखिए ना मामा जी। अच्छा ठीक है चल। संभाल के ले जाना। अच्छा अपनी माँ और बहन को छोड़ के इतने साल तुम अलग क्यों रहे? सब इनके लिए है। मैं बचपन में ही पैसे कमाने के लिए यहाँ आ गया था। नदिया मेरी माँ ही मेरी दुनिया है और छोटी बहन मेरी जान। इनकी खुशी के लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ। मैं इन्हें हमेशा हंसते देखना चाहता हूँ। और मेरी खुशी तुमसे जुड़ी है। I love you, Nadia. Me too. बातों में हम झूमे हैं, छू लूं तुझे मैं दिल करता है, देख के तुझको आहें भरता है, दिल है ये ये। तक जो था मेरा वो हो गया है तेरा, प्यार की इन आँखों में चेहरा है तेरा। तेरे प्यार में इतना खोई, खुद में ही खो गई, तुझको पाके लगता है दुनिया ही मिल गई। मेरे दिल के अंदर भर का ये शोले। Tell me what you gon' do.
कुछ दिल में अपने में रख लो आ जरा। जज्बातों में हम झूमे हैं, छूने तुझे मैं दिल करता है, देख के तुझको आहें भरता है, दिल है ये। थैंक्स। ये लो बेटे, ले लो। थैंक यू सर। लो। थैंक यू। सुनो, बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर दिया ना? हाँ, सारा इंतजाम कर दिया है, बस उनको परोसना बाकी है। नदिया, गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। ओके। कैसे हो गुरु? अच्छा हूँ जीके सर। सर अब आप संभालना, मैंने कर दिया। मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सर। काका, गुरु ने आश्रम के लिए 50,000 रुपए और कुछ सामान देने को कहा था, वो दे दिया क्या? वो तो भेज दिया। ये बात है? कौन हो? पुलिस, इंडियन पुलिस। गुरु ने बुलाया है क्या? जरा फिर से बोलना। गुरु ने बुलाया है क्या? ओ, उनका नाम गुरु है। हाँ, उन्हीं से मिलना है। सर नमस्ते जी। हरीशचंद्र नाम का, हरीशचंद्र। बात क्या है? ऐसे ही या बैठ के बात करें? ठीक है बैठ। थैंक यू। हाँ, घर तो काफी बड़ा है, आप बैचलर हैं फैमिली? काम की बात कर। सर बुरा मत मानिएगा सर, जरा घुमा फिरा के बात करते हैं। सीधे सीधे पूछता हूँ तो बोलिए ना। देखो गुरु, थारे को जो करना है कर, मैं बीच में नहीं आऊंगा। ठीक वैसे ही तन्ने कोई प्रॉब्लम हो तो मन्ने बोल, मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन महीने महीने हफ्ता पहुंच जाना चाहिए, बस इतना ही। क्यों तू मुझे धमकी दे रहा है? देखा आप बुरा मान गए ना, क्या करें, इनकी आवाज ही धमकी जैसी है। ऐसी धमकियों से ये गुरु नहीं डरता है। यो धमकी ना है, चेतावनी है। मैं नाम का हरिश्चंद्र हूँ, पर काम मारे सारे उल्टे हैं। ए, तू किसे जवान लड़ा रहा है? ए, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? हाथ हटा। मेरी बात सुन, गुरु कहता है तो करता है, हफ्ता तेरे घर पहुंच जाएगा। चल अब निकल। चल रहे गुरु। हाँ तो क्या हो गया? कुछ नहीं, हमारी गाड़ी में माल रखा है। क्या कहा? ठीक है तो चुप रहना, मैं देख लूँगा। नमस्ते हरिश्चंद्र। नाम का हरिश्चंद्र, कैसे हो? हाँ ठीक हो, ठीक हो। आज इंडिपेंडेंस डे, थारी गाड़ी भी चेक होएगी। शौक से करो। संपत, डिक्की खोल दो। ठीक है। ओए, सर जी जाके देखना। अभी देख लेता हूँ। कुछ भी कहो, ड्यूटी बढ़िया निभा रहे हो। सर जी एक बड़ा बैग हाथ लगाए। ओए, यहाँ ऊपर रखना। लीजिए, रख दिया, देख लीजिए। क्यों गुरु, बैग गांजे से भरा है? अब तो तू फंस गया।
अब इसके लिए क्या बोल लेगा? तूने हफ्ता मांगा था ना, बेच के ले ले। अरे वाह, ये तुम कैसे जानते हो? हमारा धंधा वही तो है। चुप करना। क्यों ना ऐसा करें, दोनों को माल के साथ अंदर बंद कर दे तो ये भी सही रहेगा। एक सेकंड में बाहर आ जाऊंगा। कार का नमूना देखा था ना? ए गुरु, वो मेरी लक्की कार थी। अगली बार तेरा घर उड़ेगा। ए, जो कर सकता है कर लेना। गुरु, मैं चाहूं तो तुझे कभी भी उड़ा सकता हूं। अरे हरिश्चंद्र, अगर मैं चाहूं तो तुझे यहीं इसी समय उड़ा सकता हूं। अरे चलिए बाद में देख लेंगे, माल हाथ लग गया है, पार्टी वेट कर रही होगी। अगर दोबारा ऐसी गलती की ना तो खाल खींच लूंगा। इडियट, चल गाड़ी निकल। नदिया, क्या कर रही हो? कुछ बेटी? नहीं आंटी, बैठिए ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे रिंग्स बहुत अच्छे हैं। ऐसा लगता है तुम्हारे कान के लिए ही बनाए गए हैं। आपको भी अगर चाहिए तो बोलिए, इससे भी बढ़िया खरीद के लाऊंगी। अरे मुझे अब ये सब कहाँ चाहिए, मेरी कमली शादी के लायक हो गई है ना, उसके लिए अब ये सब चाहिए, इसीलिए राय जान रही थी। चिंता मत करो आंटी, आज ही जाके ले लेते हैं। ओके। हाँ, कमली को भी साथ ले जाएंगे। हाँ, उसे भी ले चलते। अरे वाह, हंस हंस के बातें हो रही है, किसके बारे में? उसी से पूछ लेना। कोई खास नहीं, कमली की शादी की बात कर रहे थे। कमली के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसे शादी कराने की जवाबदारी मेरी है, तुम लोग चिंता मत करो। वो तो ठीक है, हम लोग तैयार हो रहे हैं, तुम दोनों तैयार होके नीचे आ जाओ। ठीक है। मुझे कपड़े बदलने हैं। लगता है मूड आ गया है। ठीक है, तो अब चलें। वहाँ देखते हैं। आइए आइए मैडम, बैठे बैठिए। वहाँ बैठो माँ। नमस्ते सर। कमली, हाँ। इधर आके बैठना। अरे वाह, ये अच्छा है ना। दुकान में शादी के जो गहने होते हैं वो दिखाओ। अभी दिखाता हूँ। वो वाला देखना, ये वाला। ये वाला देखिए मैडम। हाँ दिखाना। बहुत अच्छा है। कमली वहाँ देखना। कमली इधर घूम। गुरु देख, कमली कैसी लग रही है। अच्छा है भैया। बहुत सुंदर। भाभी ओके है ना? सुपर से है, एकदम दुल्हन लग रही हो। ये खरीद लेना। ले लो माँ। ये पैक अच्छा कर दीजिए। अच्छा है ना गुरु, मेरे लिए भी। तुझे अच्छा लगा ना कमली? वो दोनों पैक कर दीजिए। ओके सर। संपत। हाँ गुरु। जो भी बिल हो सेटल कर देना। ओके माँ, आप चले। हाँ चलो। ए संपत, गाड़ी निकाल। ओके गुरु। माँ तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जल्दी आ जाना बेटे। ठीक है माँ। संपत संभाल के जाना। बाय बाय। हाँ बाय। गुरु ये सब क्या हो गया? गुरु मेरी बात मान लो, ये धंधा छोड़ दो, हमारे पास तो सब कुछ है ना, चलो हम ये शहर छोड़ के चले जाते हैं। ए, ये तो क्या बोल रही है? जो सच है वो बोल रही हूँ। अगर तुम्हारी जान चली जाती इसीलिए बोल रही हूँ, यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। ए, कहाँ जाएंगे और जाना क्यों है? 15 सालों से मैं यहीं पे हूँ, ये बंगला गाड़ी मेरे खून पसीने की कमाई है, तुम और मेरी फैमिली खुश रहे यही तो मैं चाहता हूँ। तुम ये क्यों नहीं समझती हो? गोली लगेगी तो क्या मैं डर जाऊं? मैं किसी से नहीं डरता। ए, मेरे साथ जीने के लिए ऐसे ही जीना होगा। ओके, यानी मेरी कोई अहमियत नहीं है। फाइन। किसी के लिए मैं खुद को बदल नहीं सकता। गुरु गुरु, मुझे जी के मंत्री से मिलना है, उसका इंतजाम करो। नहीं गुरु, थोड़ा सोच लो। इतना होने के बाद क्या सोचना? मार्टिन होते तो क्या ये सब होता?
हर महीना हफ्ता पहुंचा रहे ना, वो नहीं चाहते कि मैं उठूं, मुझे गिराना चाहते हैं। जो कभी नहीं हुआ वो आज मेरे साथ हुआ है। हर वक्त मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है, लगता नहीं है सच में फॉलो कर रहा है, जहां जाता वही पहुंचते हैं, ये उसी का नतीजा है। इसका मुझे फैसला करना है। ऐसा मत कहो गुरु। काका कैसा मैं कहता हूँ कीजिए, मुझे जीके से मिलना है, इंतजाम कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? क्यों क्या हुआ? क्यों नहीं जानते? नहीं जानता। जानते हो, तुम सब जानते हो, वो पुलिस वाला है कौन, मेरे घर आके हफ्ता मांगता है, कल मुझे टपकाना चाहा। तुम्हें खोके पे खोके दे रहा हूँ क्या इसी के लिए है? मैं हफ्ता देता हूँ अपनी हिफाजत के लिए नहीं, ताकि मेरे बिजनेस और फैमिली को कोई डिस्टर्ब ना करे। उन्हें कंट्रोल करना तुम्हारा काम है, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है। गुरु गुस्सा मत हो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारे इसमें हाथ नहीं, यही बोलोगे ना? हाँ है, तुम्हारा नाम पुलिस डिपार्टमेंट की हिट लिस्ट में है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ मिला हुआ हूँ, ऐसा मानकर मुझ पे भी शक कर रहे हैं। मेरा फोन टैप किया जा रहा है, ये जानते हो तुम? अगर कोई समस्या आएगी तो सबसे पहले मैं फंसूंगा, इसलिए कल तक का जीके यानी मैं कुछ और था, और आज तुम्हारे सामने खड़ा जीके और है। मैं किसी और को नहीं जानता हूँ, मैं जिस जीके को जानता हूँ वो मुझसे हफ्ता लेता है। मैं ये हफ्ता सिर्फ तुम्हें नहीं देता हूँ, पूरे डिपार्टमेंट के पुलिस वालों को हफ्ता पहुँचाता हूँ, ये तुम जानते हो ना? मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें तुम सब हो। तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कहो, अगले 6 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, अगर तुम लोगों से मैं संबंध रखूंगा तो मेरी कुर्सी छिन जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी जान भी खतरे में है। सर ये गुरु मौत से नहीं डरता है, जिस दिन डर गया ये धंधा नहीं कर पाएगा। क्या करना है मैं जानता हूँ। इसका नाम है गुरु, वलसाड़ के पास ही एक छोटे से गांव का रहने वाला है। बचपन में ही यहाँ भाग के आ गया और मार्टिन फर्नांडिस के पास ही काम पे लग गया। अपने अकल और ताकत के जोर पे ये मार्टिन का बॉडीगार्ड बन गया। मार्टिन के एक इशारे पर ये काम तमाम कर देता है, इसलिए हमेशा मार्टिन के नजदीक रहता था। मार्टिन के मरने के बाद ये वहां का बॉस बन गया। गुरु ने झींगे की फैक्ट्री शुरू की स्मगलिंग करने के लिए। मार्टिन के साथ वाले संपत और रामू काका उसके साथ मिल गए। ये हर महीने मार्टिन की कब्र पे जाके फूल चढ़ा के प्रेयर करता है। उसका नाम है रॉकी, ये भी मार्टिन के ग्रुप में ही था। मार्टिन के मरने के बाद गुरु ने इसे निकाल दिया। गुरु से बदला लेने के लिए ये मौके की तलाश में रहने लगा। जब गुरु के पैर जम गए तो अपने गांव से माँ बहन और दोस्तों को ले आया फैक्ट्री की देखभाल करने के लिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ उस फैक्ट्री से कभी कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ, बल्कि इलीगल बिजनेस हो रहा है। सर क्यों ना फौरन हम उस जगह पर जाकर सर्च करें? अगर कोई पुलिस वाला शक करता है तो सर्च करने के लिए कानून है, लेकिन उसके लिए अभी सही मौका नहीं है, क्योंकि गुरु अकेला नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कई लोगों का हाथ है। राजनेता लोग, दूसरे सरकारी लोग, इतना ही नहीं हमारे डिपार्टमेंट में भी। सॉरी सर। गुरु जो भी कमाता है उसे अनाथ आश्रम, गरीबों की मदद करना, इन सबसे समाज में नाम कमा चुका है। इसे देखकर कोई भी क्रिमिनल नहीं बोलेगा, उसका फायदा उठाता है। इसका माल कहां से आता है, कौन सप्लाई करता है, ये हमें पहले देखना है। सर सोए हुए को जगाना आसान होता है, लेकिन सोने का नाटक करने वाले को बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए सबूत चाहिए और स्ट्रॉन्ग विटनेस चाहिए। तो नशीले पदार्थों के साथ उसे पकड़ सकते हैं ना, वो अधिकार तो हमारे पास है ना? यू आर राइट सर, उसके लिए केवल अधिकारी काफी नहीं होगा सर, किस्मत भी चाहिए सर। दाल चावल और सब्जी, ये क्या बनाया आज, वेजिटेरियन क्या? ए, आज शनिवार है, माथे पे टीका लगा के नॉन वेज की बात करता है। इसे शनिवार हो या रविवार क्या फर्क पड़ता है? तुम चिंता क्यों करते हो, कल संडे है ना, तुम्हें क्या चाहिए है? बकरा या मुझे मुर्गी? कुछ भी दो, मुझे है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी बनेगा आँख बंद करके खा लूंगा। हाँ ये सच बोल रहा है, जो भी दोगे खा लेगा, वो तो मैं जानती हूँ ना। नमस्कार, समाज में दिन ब दिन नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। कॉलेज के छात्र छात्राएं धड़ल्ले से इसका सेवन कर रहे हैं, लेकिन शहर में कल नशीले पदार्थों की वजह से एक घटना हुई है। नशीले पदार्थों की वजह से कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और कुछ चिंताजनक बने हुए हैं, उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इन बच्चों के माता पिता अस्पताल के बाहर फूट फूट कर रो रहे हैं। ये नशीले पदार्थ कौन सप्लाई कर रहा है, पुलिस विभाग उसकी तलाश में है। जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे, ऐसा पुलिस का कहना है। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को वो नसीहत दें कि ऐसे नशीले पदार्थों से वे दूर रहें। पता नहीं कौन है, बड़े कमीने हैं, कितना बुरा कर रहे हैं। ये लोग कभी अच्छे नहीं रहेंगे, कीड़े पड़ेंगे इनके। क्या बस इनका परिवार अच्छा रहना चाहिए? ओहो, भरी जवानी में इन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इन बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए इनके माँ बाप ने क्या नहीं किया होगा। ये ड्रग्स बेचने वालों को फांसी लगा देनी चाहिए। इन्हें भी तो किसी माँ ने ही जन्म दिया होगा। ये लोग कभी अच्छे नहीं रहेंगे, सर्वनाश होगा इनका। भैया थाने पे से क्यों उड़ गए? जरा एक फोन करके आता हूँ। ये कहाँ जा रहा है? इन्हें भी तो किसी माँ ने ही जन्म दिया होगा। ये लोग कभी अच्छे नहीं रहेंगे, सर्वनाश होगा इनका। हेलो, ए संपत। हाँ बोलो गुरु। कल कोई भी फैक्ट्री में ना आए। क्यों ये सब अभी मत पूछ, जैसा मैं कहता हूँ कर। दो दिन की छुट्टी दे दो, बाकी बाद में बताऊंगा। ओके हाँ कोई बात नहीं गुरु। हाय हेलो श्वेता, कमिंग सैटरडे डिस्को में चले क्या? हेलो आई एम ऑलरेडी बुक। क्या अनीता तुम चलोगी क्या? हाँ मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ। वेटिंग लिस्ट में हो तो मैं भी ट्राई करूँ? ट्राई कर। वहाँ देखो बिना किसी चिंता के कंफर्म बर्थ पर कैसे मस्ती कर रहा है। अरे आओ गुरु, क्या हुआ अचानक यहाँ? चिंता क्यों कर दी? छोड़ मुझे। गुरु काहे का गुरु? अरे क्यों मारा, मत मार यार। अरे गुरु, अरे अरे मुझे मत मार यार। गुरु ऐसा क्या हो गया जो मार रहा है? अभी और क्या होना है, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है जानता है तू? गांव में बेकार घूम रहे थे इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। यार ले जा से, जाओ यहाँ से। ए संपत। हाँ? ये सब क्या हो रहा है, नशा करके लोग मर रहे हैं ऐसा टीवी में बोल रहे हैं। यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही है। माल ठीक से चेक किया? ठीक से चेक किया है, 6 महीने से यही माल को तो सप्लाई कर रहे हैं। गलती कहाँ हुई है पता नहीं है। गुरु ये माल हमारे एरिया का है, लेकिन हमारा माल नहीं है, किंग के लोगों ने ये माल बेचा है। ये क्या कह रहे हैं? हमारा धंधा बिगाड़ने के लिए ये किया है। ओए पत्ते बांटना। ये ले। ए, तुझे अलग से बोलूं क्या? ठीक है यार ये ले। ए, किंग हमेशा बोलता है कि चाकू से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए, क्यों ये बात सही निकली ना? आज दिमाग से काम लेने पर ही गुरु के हम वाट लगा पाए हैं। तू सही कह रहा है, अब वो माल नहीं बेच पाएगा। हाँ जब पुलिस की रेड पड़ेगी तो वो 10 साल के लिए अंदर होगा। ये तो और भी अच्छा है। अरे गुरु तेरे बारे में ही बोल रहे थे, आ गया? ए, मेरे एरिया में किसने सप्लाई किया? क्यों तू क्या करेगा, उसने किया। Oh,
मेरा बिजनेस भले ही गलत है लेकिन माल सही देता हूँ, जहर नहीं देता हूँ। अगर दोबारा मेरे एरिया में किसने सप्लाई किया तो सर धड़ से अलग कर दूंगा। ए संपत। हाँ, हमारे वो लड़के कहाँ गए? वो ए, क्या हुआ? तुमने उन दोनों को बहुत मारा, उसके बाद दोनों ने यहाँ आना बंद कर दिया है। तुम तो जानते हो ना, वो गांव के हैं, अच्छा बुरा नहीं जानते हैं। मौज मस्ती करने के लिए आए थे और तुमने मारा उन्हें। ठीक है, तू उन्हें बुलाकर वहां ले किया। वहां कहाँ? ए, वहीं पर। जाए ना ये चिंता मनी, तेरा नहीं मेरा नहीं, ये पैसा तो है बेमानी। गोल गोल घूमता है हाथ का ये मैल है, प्यार से जो पाए इसे उसका ही खेल है। गोल गोल घूमता है हाथ का ये मैल है, प्यार से जो पाए इसे उसका ही खेल है। एक बजे दो बजे हाँ प्यार छल के फागुनी, तीन बजे चार बजे हाँ रात की है संगनी। मेरा मनी बन गया है सिंफनी, पाँच बजे छह बजे चल के देख बालकनी, सात बजे आठ बजे पान को चबाई के, झूम के तू नाच जैसे नाच कोई नंदनी। झटके तेरे अरे झटके तेरे दिल में बजाए रागिनी, मुझको बता दे तू अपना पता, हाँ कौन सी है बोल तेरी कॉलोनी। बजे बारह बजे एक होने को है जी, जान से जो निकले कोई पकड़ ले दामनी। नाच तेरा लाग जैसे जंगल की मोरनी, प्यार से शिकार करूं चाहे मिले शेरनी। तेरा मनी मेरा मनी, हो जाए ना ये चिंता मनी, तेरा नहीं नहीं ये पैसा तो है बेमानी। गोल गोल घूमता है हाथ का ये मैल है, प्यार से जो पाए इसे उसका ही खेल है। गोल गोल घूमता है हाथ का ये मैल है, प्यार से जो पाए इसे उसका ही खेल है।
रहने दो ना, छोड़ो ना आंटी, माँ मुझे उससे पूछना है। माँ क्या हुआ? माँ गांव में हम शांति से जी रहे थे, यहाँ नरक में हमें क्यों लेके आया तू? ये तुम क्या बोल रही हो? क्या ये ईमानदारी से कमाए है तूने? बोल, जवाब देना। माँ मेरी बात तो सुनो। तू अपनी जबान से मुझे माँ मत बुलाना, चल जा यहाँ से। माँ ऐसा मत बोलो ना। तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? ये पाप हमारे सिर पे क्यों डाला? माँ, माँ। ए राजा, इंडिया से गुरु बोल रहा हूँ। क्या बात है गुरु, अचानक? मुझे इसी वक्त 100 किलो चाहिए। मजाक सूझ रहा है? यहाँ की सिचुएशन सही नहीं है। जैसा पहले था वैसा अब नहीं रहा है, सब कुछ बदल सा गया है। यहाँ पे 2-3 गुट अचानक से आपस में मिल गए हैं, इसलिए मेन अड्डे की हालत भी खराब है। हमारी प्रॉब्लम को समझ गुरु। ए, प्रॉब्लम मुझसे मत बता। अभी जो लोग हैं बहुत डेंजर लोग हैं, जरा सी बात पे खून खराबा करते हैं। मैं सच कह रहा, राजा तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, मैं मलेशिया आ रहा, फोन रख। सर हाँ। हेलो सर, आई एम हरिश्चंद्र। यहाँ ये सब देखकर तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है, कमाल कर दिया। शहर के सारे गुंडों की लिस्ट मौजूद है। हेलो, आई एम मुकेश, इन्वेस्टिगेशन स्पेशल यूनिट। तुम स्पेशल? तो हम लोग क्या चालू हैं? मैं भी स्पेशल ही हूँ। मेरी मदद लेंगे ना तो ये सारे एक्यूज्ड पकड़ में आ जाएंगे। मेरी हेल्प चाहिए? जरूरत पड़ी तो बोलूंगा। मिस्टर हरिश्चंद्र। सर उन्हें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? ऐसा ना हो कि तुम्हें मेमो देना पड़े। सर मैं भी तो डिपार्टमेंट का ही हूँ। नो आर्गुमेंट सर, उनके अच्छे के लिए तो कह रहा था। नो मिस्टर हरिश्चंद्र। सारे डिपार्टमेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं। सर ये फोटो दिखा के मुझ पे एक्शन कैसे ले लेंगे? ये तो इंडिपेंडेंस डे के दिन जब जांच कर रहा था तब किसी ने खींचा है। सर मैंने अपनी ड्यूटी की है। सर क्यों बेकार में यूनिफॉर्म को बदनाम कर रहे हैं? मिस्टर हरिश्चंद्र, यूनिफॉर्म से ज्यादा तुम्हारे लिए पैसे प्यारे। मुझे काम करने दो प्लीज। कौन से बड़े काम के बारे में बोल रहे हैं? हैं? पुलिस के हाथ में कोई अधिकार है क्या? सर आज के जो मुजरिम है ना वो चक्कू वगैरह नहीं रखते, इम्पोर्टेंट गन रख के घूमते हैं। इतना ही नहीं, रिमोट कंट्रोल बॉम्ब रखते हैं, बटन दबा देंगे तो उसके बाद सरकार मेरे परिवार को क्या देगी? एक अवार्ड देगी? मेरे बीवी बच्चों को दाल रोटी देगी क्या? अगर मैं जवानी में मर गया तो घर वाले क्या करेंगे? इन सब की जरूरत पड़ती है। गद्दार बन के मरने से अच्छा एक शहीद की मौत मर। तुम जैसों को नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ो इसे, इसे बाहर निकालिए। सर आउट, गेट आउट। कूल डाउन। सॉरी सर। इट्स ओके। तुम लोगों की इतनी हिम्मत? अरेस्ट करो इन्हें। दोनों लड़कियों ने तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट लिखाई है, उन्हें नशीले पदार्थ देकर उनकी इज्जत लूटनी चाहिए तुमने। सर उसका विश्वास मत कीजिए सर, वो झूठ बोल रही है, हमने कुछ नहीं किया सर। वो तुम्हारी इज्जत लूटने नहीं वाली थी? सर वो ड्रग्स लेने के लिए आई थी। अबे बोल ना यार। हाँ सर, हाँ सर, वही हमें ढूंढती हुई आई। ये सब कोर्ट में नहीं चलेगा, इस केस में कम से कम 20 साल की लगेगी। कोई बात सर, नहीं सर, ना क्या कर रहे हैं? हमें छोड़ दिया सर, हमने कुछ नहीं किया। हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग कुछ नहीं किया। हमें छोड़ दिया सर, हमने कुछ नहीं किया। हम लोग तो निर्दोष हैं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। कौन निर्दोष है? कौन निर्दोष? तू निर्दोष है? कितने लोगों की जिंदगी नाश की है? गांव के बारे में मुझसे बोल रहे हो? मैं भी गांव से ही आया हूँ। कार खींच लूंगा तुम लोगों की। बोल इस वक्त गुरु कहाँ है और क्या कर रहा है? उसके बारे में सारी डिटेल्स दे। अगर देगा तो न मैं तुझे मारूंगा और न सजा दिलाऊंगा। लेकिन अगर तूने मौका खो दिया ना तो जिन लड़कियों के साथ तुम थे ना उनसे कैसा केस बनवाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। केस बनाऊ या गोली मारू 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सोच के जवाब दे।
यार अब हम क्या करें? दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। सर जो कहोगे हम करेंगे सर। गुड, डू योर जॉब, ओके। गुरु तेरे साथ हम धोखा कर रहे हैं, हमें माफ कर देना। संपत। हाँ बोलो गुरु। माल लोड कर दिया है। ओके। डिलीवरी ले लेना। ओके। कंटेनर का नंबर लिख ले। हाँ बोलो गुरु। MHR 454537। क्या लिखा बता? MHR 454537। संपत एक और बात। हाँ बोलो गुरु। माल आते ही किसी को बांट मत देना। ओके गुरु। मैं आके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है। हार्बर पे अपने ही ऑफिसर्स होंगे। ओके। उन्हें जो देना वो देकर हाँ। माल ले लो। ठीक है। हाँ हाँ मैं सब संभाल लूंगा गुरु। रोशन तुम्हें मैंने बहुत तकलीफ दी, माफ कर देना यार। अरे यार ये तुम क्या बात कर रहे हो गुरु, मैंने ये सब किसके लिए किया? ये सब तुम्हारे लिए तो किया। रोशन हाँ बोलो। ये मेरी लास्ट डील है, इसके बाद सब बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ की खुशी जरूरी है। उनके लिए खुद को बदलने वाला हूँ, उसके बाद एक अच्छा इंसान बनकर जिंदगी बिताऊंगा। ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। ऑल द बेस्ट। थैंक्स यार। कमली क्या बात है, घर पे कोई नहीं है, फोन बजता जा रहा है, कहाँ हो तुम लोग? गांव में। गांव में अचानक ऐसा क्यों? क्योंकि अब से यही रहने वाले हैं। ये तो क्या बोल रही है? जब तुम यहाँ नहीं थे तो उस इंस्पेक्टर हरिश्चंद्र ने हमारे घर रखे। पुलिस नाम का पुलिस? अच्छा तू कौन है? ये इस घर की बहू है। अरे वाह घर की बहू, क्या बात है, है? मांग में सिंदूर नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं, मैं ये कैसे मान लूं? मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्यों आए हो? पैसे चाहिए, गुरु ने जो छुपा के रखे सारे पैसे चाहिए, कहाँ रखे हैं? मैं नहीं जानती। ये कहती है इस घर की तो बहू है माँ? और तो नहीं जानती माँ, ये सब क्या है? ये कौन है? ये भी किसी से कम नहीं है। बात गुरु को पता
चल गई तो तुझे जान से मार डालेगा। ए, क्या कर लेगा वो? रहने दीजिए सर, औरतों से क्यों झगड़ा कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। छोड़ मुझे, एक पुलिस वाले पर इसने हाथ उठाया और तू चुपचाप देख रहा था। ए, चलो ढूंढो सारा सामान इधर उधर करके देखो, पैसे यहीं कहीं छुपा रखे होंगे। पैसे पैसे क्यों, अपने बेटे की बड़ी तारीफ कर रही थी? अब देख लिया ना पैसे कहाँ छुपा के रखे थे। वो इस घर में ईमानदार बन के रहता है लेकिन उसका धंधा क्या है आप जानती हैं? गांजा अफीम ब्राउन शुगर बेच के देश को खोखला कर रहा है। ये जो है ना अच्छे पैसे नहीं है माजी, गंदी कमाई है। टीवी की न्यूज में देखा होगा ना कितने लोगों की मौत हुई, उनकी मौत का कारण कौन है? तुम्हारा बेटा ही। माना कि मैं खराब इंसान हूँ लेकिन मुझसे भी खराब है तुम्हारा बेटा। आए ना तो उसकी नजर उतारना, समझ गई? चलता हूँ। चल रे। आंटी, माँ, 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 माँ। तुम्हारी अपनी खुशी के लिए कितने लोगों की बलि चढ़ा दी तुमने। तुम पर विश्वास करके हम शहर आए थे और तुमने हमारी खुशियाँ छीन ली। भैया माँ कितना रो रही है पता है? माँ बस एक ही बात कह रही है, अगर तुमने सच में ऐसा किया है तो चुपचाप पुलिस में सरेंडर हो जाना। क्या तुमने ऐसा किया है, बोलो ना। किया है क्या? Thank you.
डोंट मूव। बहुत हो गया गुरु, इट्स ओवर। तुम लोग बाहर जाओ। यस सर। थैंक यू। यू आर वेलकम। तुम्हारे बारे में मेरे लॉयर ने बताया था कि 50 लाख का माल पकड़ के उसमें से 50 ग्राम भी बाहर नहीं गया, पूरा का पूरा सरकार को सौंप दिया। उसकी मार्केट वैल्यू जानते थे? करोड़ों में होगी, लेकिन जानने की मुझे जरूरत नहीं, वो सरकार को चला जाता है और वही मैंने किया। इस वक्त वैसा ही जैकपॉट लगे तो क्या करेंगे? इस वक्त नहीं, कभी भी लगे वही करूंगा। जो सरकार को जाना है वो सरकार को जाएगा, बिकॉज आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट। गुड। सिंसियर ऑफिसर, हाँ, मुझे एक सिगरेट मिलेगी? नो, नहीं दूंगा तो क्या करोगे? अगर मैं बोलने से मना करूं? मिस्टर गुरु, खून, डकैती और स्मगलिंग जैसे बहुत से केस तुम पर फाइल किए गए हैं। मुझे जेल में डाल देने से ये समाज सुधर जाएगा या बदल जाएगा? बदलेगा गुरु। नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, मेरे बदले कोई और करेगा। जो कुछ हो रहा है चलता रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। गुरु, आवाज नीचे। क्यों, क्या करोगे? काम डाउन गुरु, ये क्या है? बैठो, सिट डाउन प्लीज। सर, इफ यू डोंट माइंड, इसे अकेले में बात करनी है, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए। ऑल राइट, गो अहेड। इन्होंने जो कहा सिर्फ वही नहीं, कानून का उल्लंघन करके लोगों को धमकाना, उनका किडनैप करना, ऐसे भी बहुत से केस फाइल किए हैं। नशीले पदार्थ बेचकर तुमने जो भी कमाया है उसके सारे सबूत मेरी फाइल में मौजूद हैं। ड्रग्स की वजह से जितने भी लोग मरे हैं उनके माँ बाप आज तुम्हारे अगेंस्ट गवाही देने के लिए लंबी लाइन में खड़े हैं। तुम्हारा बचना मुश्किल है, सब तुम्हारे अगेंस्ट हैं। तो होने दो ना, ये सब कोर्ट में नहीं चलेगा, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक मेरी पहुंच है। इसके बाद ही मुझे अंदर डालोगे तो तुम्हारा डिपार्टमेंट ही मुझे छुड़ाएगा। सब पैसे का खेल है, पैसा, पैसों का। आज पैसों से कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी खरीद लो, मैं तुम्हें भी खरीद सकता हूँ। माना कि तुम पैसों से खरीद सकते हो, लेकिन मुझ जैसे को नहीं। दैट्स नॉट मी। मेरे बारे में तुम क्या जानते हो? मैंने बचपन में खून देखा है, कितने ही पुलिस वालों को मैंने रिश्वत दी है। ना मैं किसी से डरता हूँ, इस दुनिया में मुझे चाहने वाला सिर्फ एक ही था, मार्टिन फर्नांडिस, यानी मेरा बॉस। वो भले ही दुनिया वालों के लिए खराब हो, लेकिन मेरे लिए वो एक भगवान रहा है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, तुम्हारा काम कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। तुम्हारी वास्तविकता क्या है बताओ, बताओ ना, अपने जमीर से पूछ के बोलो। आज अच्छा कौन है और ईमानदार कौन है? मैं, तुम सब के सब गलत हैं। इट्स अ ब्लडी सेल्फिश वर्ल्ड। वेल डन, एक्टिंग अच्छी करते हो गुरु। पैसों के और डर के बारे में तुम्हारे से अच्छा कोई और बयान नहीं कर सकता। तुम पैसों की बात कर रहे हो ना, पैसों के साथ साथ तुमने पाप भी कमाया है। उस पाप ने अगर बदला लेना शुरू कर दिया ना, तो तेरा पैसा तुझे बचा नहीं पाएगा। एक बात कहूं, तूने जो पैसे कमाए ना, उन पैसों से तू गांव से अपनी मां को वापस ला सकता है क्या? या अपनी बहन का प्यार पा सकता है, अपने दोस्तों को पा सकता है? तेरे पास जो पैसे हैं उससे हमारे डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसरों को ही खरीद सकता है, लेकिन प्यार नहीं पा सकता, ना ही माँ की ममता और ना ही किसी की दोस्ती। तूने अपने पैसों से जो अनजाने में अच्छे काम किए हैं, गरीबों की मदद, अनाथों की मदद, उससे मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा दिल भी है। तुम्हारी काबिलियत, जिसे तुम्हारी माँ ने चाहा, तुम्हारी बहन ने चाहा, वही मैं भी देखना चाहता हूँ। गुरु, यह धंधा छोड़ दे, भूल जाए इसे। मैं तुम्हें कोर्ट में खड़ा करके सजा नहीं दिलाना चाहता हूं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूं।
बोली मुझे क्या करना होगा। गुड 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 वेरी गुड। समाज को सुधारने में मदद करो। तुम्हारी मदद कौन कौन करते हैं, इस धंधे में और कौन कौन है, सबकी जानकारी दे दो। ऐसा करोगे तो सजा कम होगी। सरकार से मैं बात करूंगा। यू मीन अप्रूवर। तुम्हारी सुरक्षा मेरे जिम्मे, मुझे सब बताना तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो तुम्हारे डिपार्टमेंट से भी अरेस्ट करने होंगे। कौन है बताओ, तुम ये कर पाओगे? जरूर करूंगा। नशीले पदार्थ के माफियाओं के साथ पुलिस विभाग के जो दो अधिकारी मिले हुए थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ कुछ सरकारी लोग और कुछ राजनेता जुड़े हैं, ऐसी हमें खबर मिली है। चार्ज लेने के बाद कुछ ही महीनों में नशीले पदार्थ के माफियाओं के साथ जितने भी लोग जुड़े थे उन सबको हिरासत में लेकर समाज में फैली गंदगी को साफ कर दिया है। सर थैंक यू सर, इट्स माय ड्यूटी सर, थैंक यू वेरी मच। हाथ दो गुरु। तुमने जो मदद की उसे डिपार्टमेंट ही नहीं बाहर पब्लिक भी खुश है। बोलो अब मैं क्या करूं, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने जो कुछ खोया है वो मुझे चाहिए, दे पाओगे? इस समाज में आज तक जितने भी बुरे कामों को अंजाम दिया उन्हें स्वीकार करके अप्रूवर बन के कई मुजरिमों को पकड़वाया। गुरु ने सरकार की सहायता की, इसलिए उसके प्रति सरकार ने दया की सिफारिश की। इसलिए मुजरिम गुरु को ये अदालत कम से कम 7 साल की बामुशक्कत कैद की सजा सुनाती है।